अच्छा सर, जनरली लोग मानते हैं कि भाई इलेक्शन के पहले का बजट है तो सरकार थोड़े कुछ न कुछ प्रयास ये करेगी कि भाई लोगों की पसंद वाला बजट बनाया जाए, है ना, चुनाव को ध्यान में रखते हैं। तो क्या उस लिहाज से बजट की प्रिपरेशन हो सकती है, इसकी संभावना है? उस हिसाब से हो सकती है, लेकिन जैसे ताहिर जी ने बताया कि फिस्कल डेफिसिट भी एक ऐसा एक फोकस रहेगा जहां पे इस साल शायद 5.9% या 6% के आसपास फिस्कल डेफिसिट आना चाहिए। और अगर आप एफआरबीएम के टारगेट्स देखेंगे तो 2 साल में ये 4.5% होना चाहिए, तो करीब करीब 70-80 बेसिस पॉइंट्स का कम करना जरूरी है। वो कम करके कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस रखते हैं वो देखने लायक रहेगा। तो हमें लगता है कि अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे हर जगह पे फिस्कल डेफिसिट एक तरफ से ज्यादा ही है, क्योंकि सब लोग ग्रोथ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से शायद यहाँ पे भी जोर तो उसी ओर रहेगा, लेकिन ये भी जरूर याद रखना पड़ेगा कि हम 6% पे नहीं रह पाएंगे, उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कम करते हैं तो उतना एक्सपेंडिचर भी आपको कम करना पड़ेगा। करेक्ट। ज्यादातर फोकस शायद रेवेन्यू साइड पे रहेगा जहां पे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन काफी कुछ जो रेवेन्यू साइड पे है वो कम भी नहीं हो सकता, जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब। तो उस हिसाब से ये थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट रहेगा कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को फोकस रखते हुए एक्सपेंडिचर पे फोकस आएगा। और जैसे आपने पूछा क्या हो सकता है पॉपुलेशन के लिए, तो हमें लगता है कि देखिए रूरल इकोनॉमी जो है वो कोविड के बाद एक तरफ से डिसरप्टेड अभी भी है, करेक्ट। पूरा वापस नॉर्मलाइज सिचुएशन पे नहीं आया हुआ है। तो हमें लगता है कि वो रूरल फोकस थोड़ा बहुत इस बजट में भी रहेगा। हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक फोकस एरिया है, वहां पे और भी शायद थोड़ा बहुत फोकस आ सकता है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल वैसे एक बजट रहेगा जहां पे जो आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स तो कंटिन्यू होते रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी थोड़ा बहुत ट्वीक्स करने पड़ेंगे वो शायद इस बजट में भी तो दिखाई। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज कही कि भाई वित्तीय घाटा जो है वो 6% पे लाने की कोशिश इस बजट में होनी चाहिए, और ये रोड मैप चाहिए कि अगले 2 साल में 4.5% तक कैसे पहुंचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे फॉरेन के जो निवेशक हैं उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। लगता है, जरूरी है। और जैसे हमारे जो बॉन्ड्स अभी JPMorgan बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हुए हैं, तो वहां पे भी लोग देखेंगे कि फिस्कल डिफिसिट का सिचुएशन क्या है कंट्री का। तो उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा ढीला नहीं हो सकते हम, थोड़ा बहुत ट्वीक हो सकता है, थोड़ा बहुत आप नेक्स्ट ईयर के लिए शायद उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका जो रोड मैप है उससे बहुत ज्यादा आप डिवेट हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आप सब लोग ये जान लें, समझ लें अच्छे से, अगर कोई ये कहे कि ये तो इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मार्केट के लिए, आपके लिए, इकोनॉमी के लिए, तो ये गलत है। पूरी तरह से ये अहम है, इम्पोर्टेंट है, इसे देखना समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है।